हेलो हाय यादव, आप सत श्री अकाल एंड वेलकम टू इनक्रेडिबल डेली टैरोट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक रीडिंग करेंगे आपके पर्सन की सबकॉन्शियस माइंड की रीडिंग एंड आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की रीडिंग। उनकी डीपेस्ट फीलिंग जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, जो हमेशा रहता है, फिक्स्ड रहता है, एंड करंट एनर्जीज क्या होता है, सिचुएशन वाइज वो चेंज होती रहती है। इंसान कभी किसी नेगेटिव सिचुएशन में रहता है, पॉजिटिव सिचुएशन में रहता है, तो उनकी करंट फीलिंग्स चेंज होती रहती है। बट डीपेस्ट उनके सबकॉन्शियस माइंड में, उनके दिल में डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो हम लोग जानेंगे और दोनों फीलिंग्स को कंपेयर भी करेंगे। होप आपको टॉपिक समझ आ गया है। तो चलिए रीडिंग को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग पॉजिटिव रहिए, अपने अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, उनका नाम 3 बार अपने मन में ले लीजिए एंड पॉजिटिव रहिए। चलिए पहले हम लोग निकालेंगे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग, जो सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, जो उनके दिल में डीपेस्ट जो फीलिंग है आपके लिए, वो हम लोग निकालते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग फॉर माय व्यूअर्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, क्या है उनके सबकॉन्शियस माइंड में मेरे व्यूअर्स को लेकर के। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। इस रीडिंग में हम लोग सिर्फ आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या है वो देख रहे हैं। कोई भी नेगेटिव थिंकिंग आप लोग बिल्कुल मत कीजिए इस वक्त में, एंड एनर्जीज को कनेक्ट होने दीजिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस। एंड अभी देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर यू, क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। करंट फीलिंग्स में पहले ही आया है एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वांड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, सॉरी लवर्स विथ सन कार्ड। मैं इग्नोर नहीं कर सकती, तो दोनों कार्ड ही मैं ले रही हूँ, लवर्स एंड सन कार्ड। चलिए तो उनके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो रीडिंग्स में आए हैं वो है नाइट ऑफ कप्स। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं हमेशा के लिए। उनके दिल में आपके लिए एक प्यार है जो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है उनके आसपास का जो माहौल है, उनका सिचुएशन है, जो उनकी लाइफ जो है, उसको सोच करके, उसको देख करके वो पर्सन थोड़ा खुद को स्टक फील करते हैं, अपना जो मूवमेंट है, अपनी जो कदम है वो रोक लेते हैं। थ्री ऑफ वांड्स, ये पर्सन हमेशा आपका वेट करते हैं। मैं और क्लैरिफायर से क्लैरिफाई करूँगी, डिटेल रीडिंग करूँगी आज। सेवन ऑफ कप्स, ये पर्सन कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, चीज़ों के लिए, चीज़ों के पीछे ही ये पर्सन चले गए थे। थर्ड पार्टी मुझे इन्वॉल्व डेफिनेटली दिख रही है, वो थर्ड पार्टी के लिए चले भी गए थे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मैं ये देखना चाहूँगी कि टेन ऑफ कप्स ये थर्ड पार्टी के लिए था या आपके लिए था, मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ये पर्सन थर्ड पार्टी में ज़रूर चले गए थे, लेकिन मैं क्लैरिफाई करती हूँ, लेकिन ये पर्सन का जो था ना, ये
फैमिली आपके साथ बसाना चाहते थे, हो सकता है कुछ उनकी सिचुएशन ऐसी बनी थी या कुछ फैमिली प्रेशर था जिसलिए वो थर्ड पार्टी की तरफ मूव किए। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, अगर कोई जॉब कैरियर ये नहीं है इनका थर्ड पार्टी, आप लोगों के केसेस में उसी टाइम की बात कर रही हूँ। चलिए मैं देख लेती हूँ, 10 of Cups को प्लीज़ डिफाइन क्लैरिफाई करें। 10 of Cups क्यों आया है प्लीज़ डिफाइन क्लैरिफाई करें। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, प्लीज़ डिफाइन 10 of Cups को क्लैरिफाई करें। चलिए दो कार्ड्स आए हैं, मैं ले लूँगी इनको, टेम्परेंस एंड 5 of Pentacles। किसी किसी केसेस में मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की फिनेंशियल प्रॉब्लम भी थर्ड पार्टी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस करना चाहते थे। देखिए आप यहाँ पे दो चार केसेस मुझे जो है समझ आ रहा है, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन मैरिड है, मैरिड है, उनके प्रॉपर फैमिली है, जेंडर वाइज ले लीजिएगा, भी स्पाउस बच्चे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इन द पास्ट और इन द सबकॉन्सियस माइंड भी वो चाहते हैं कि उनको भी रखें एंड आपको भी रखें, एक बैलेंस बना के लाइफ में चले। मजाक है क्या? ये आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो दिखाई दे रही है, वो फैमिली में होते हुए भी, उनकी प्रॉपर फैमिली बच्चे स्पाउस सबके होते हुए भी एक्सट्रीम मिसिंग फीलिंग आपके लिए वो फील करते हैं एंड वो एक बैलेंस बनाना चाहते हैं अपनी फैमिली अपनी पर्सनल लाइफ में एंड आपके बीच में, एक बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, दोनों को ही रखना चाहते हैं, ऐसी एक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। उनके सबकॉन्शियस माइंड में यही एनर्जी है कि वो आपके साथ भी रहेंगे एंड अपनी फैमिली के साथ भी रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं दोनों में से किसी को भी। एक्सट्रीम मिसिंग फीलिंग आपके लिए वो डेफिनेटली फील करते हैं एंड न्यू बिगिनिंग, एक एक्स ऑफ सोर्स आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, आप इस सिचुएशन को ना माने हो एंड आप मूव ऑन कर गए हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो उस जगह पे वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एम्प्रेस सबकॉन्शियस माइंड में जो है उनके, आप एक ऐसे मतलब एक गॉडेस जैसी एनर्जी में उनको वो आपको देखते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है, आप एक गॉडेस जैसे हैं, एक क्वीन जैसे हैं, आपके तरफ सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट इन यू, लाइक आपकी जो ब्यूटी है वो, आपकी अबंडेंस, आपकी अंदर की जो ममता, जो प्यार ममता इस टाइप का होना चाहिए किसी भी पर्सन में, हर एक चीज़ हर एक गुण आप में वो देखते हैं, तो आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है एंड आप डेफिनेटली वो आपको बहुत प्यार करते हैं। ये सारे सर्कमस्टेंसेस है जो वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, आपका वेट भी कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में जो है वो है कि वो दोनों को ही रखना चाहते हैं। 3 of Wands क्यों आया है प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 3 of Wands किस चीज़ का वेट करते हैं वो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 9 of Wands देखिए इनको डर भी है किसी चीज़ का, किस चीज़ का डर है प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, किस चीज़ का डर है, किस चीज़ से, किस सिचुएशन से डरते हैं प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। नाइट ऑफ कप्स एंड 7 of Pentacles, इस पर्सन को डर है अपनी सोशल जो उनका एक इमेज है वो टूट जाने का, इनको बहुत डर है। इसमें भी आया है नाइट ऑफ कप्स, इसलिए वो खुद को रोक लेते हैं, जो किसी चीज़ का डर है उनको, इसलिए वो खुद को रोक लेते हैं एंड वेट कर रहे हैं एक प्रॉपर टाइमिंग का, जिस टाइम में वो सब कुछ एक प्रॉपर वे में हो एंड वो आपकी तरफ
प्रॉपरली बढ़ सके। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को एक बार क्लैरिफाई करें प्लीज डिवाइन। नाइन ऑफ वॉन्ड्स किसका उनको इतना डर है प्लीज डिवाइन गाइड करें। प्लीज डिवाइन गाइड करें, नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। किंग ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन को अपने समाज में उनकी जो इज्जत है वो चली ना जाए, उनका जो एक रूड नेचर वो सबको दिखाते हैं, एक एम्परर की एनर्जी, एक इगोइस्ट ऐसा कुछ दिखाते हैं वो चला ना जाए, इस चीज़ का भी डर है। हो सकता है आपसे ही ये खुद मूव ऑन किए थे और अभी वो खुद में खुद से आने के लिए भी वो उनको लग रहा है कि वो आपकी तरफ आएंगे तो उनकी ईगो हर्ट होगी, आप उनको ताने देंगे हो सकता है, बट वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आना चाहते हैं क्योंकि आपको वो ऐसा मानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जिन्होंने उनको बहुत कुछ दिया है, नॉट फिनेंशियली, ऐसा नहीं है कि इमोशनल सपोर्ट, फिनेंशियल सपोर्ट आपने इनको बहुत किया है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, एंड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये सब सोच करके वो सेवन ऑफ कप्स को भी मैं एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन सेवन ऑफ कप्स प्रॉपरली बताएं, सेवन ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, हो सकता है ये खुद को इन्वॉल्व करने की कोशिश किए थे थर्ड पार्टी के बीच में, ज़्यादा ऑप्शंस के बीच में, मुझे जो दिखाई दे रहा है ओनली नॉट ओनली थर्ड पार्टी, ये खुद को डाइवर्ट करने के लिए, आपकी तरफ से डाइवर्ट करने के लिए ये पर्सन बहुत जगह पे, हो सकता है ऑनलाइन हो या जो भी है, ये खुद को इन्वॉल्व करने की कोशिश किए थे लेकिन वो फेलियर हुए। वो एक्सट्रीमली आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं एंड बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में रहते थे। अब जो है ये जा करके आप दोनों के रिलेशन में सोच रहे हैं कि हाँ इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये वेट कर रहे थे कि आप कुछ एक्शन लेंगे, आप जैसे पहले लेते थे आप कुछ एक्शन लेंगे, उनको मनाएंगे कि मत जाओ मुझे छोड़ करके, इस टाइप की एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन जब वो देखे कि आप बिल्कुल बदल चुके हैं, आपने अपनी पाथ बिल्कुल चेंज कर लिया है, तब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड वो सोच रहे हैं इस रिश्ते में अगर मैं कुछ ना करूं तो ये रिश्ता पूरी तरह से एंड हो जाएगा। ये है उनके डीप डाउन, उनके दिल में जो चीज़ें हैं ये। अब देख लेते हैं उनकी करेंट एनर्जीज। करेंट एनर्जीज में हमें दिखाई दे रहा है कि वो मूव ऑन कर रहे हैं। देखिए ये मूव ऑन मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये मूव ऑन कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, जिस जगह पे ये स्टक थे, जिस जगह से ये सोच रहे थे कि उनको प्रायोरिटी दे रहे थे आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, उस जगह से ये इमोशनली विदड्रॉ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको सोशली एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपके तरफ एक प्रॉपर कमिटमेंट, प्रॉपर एक जो ट्रस्ट आपका टूट गया है वो ट्रस्ट फिर से बिल्ड अप करना चाहते हैं, एंड कम्युनिकेशन। डेफिनेटली वो कम्युनिकेट करेंगे, ये पर्सन खुद से कम्युनिकेट करेंगे आपसे। और यहाँ पे आया है बॉटम ऑफ द डेक से द लवर्स एंड द सन। ये बहुत ज़्यादा एक फील कर रहे हैं कि आपके साथ ये जो उनका कनेक्शन है ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कि बॉडी माइंड बॉडी सोल का एक कनेक्शन है जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, एंड इस चीज़ के लिए वो एक्शन लेने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। तैयार हो नहीं रहे हैं, वो बहुत जल्द तैयार वो एक्शन लेंगे। मुझे जो दिखाई दे रहा है विद इन 8 आवर्स और 8 डेज आप लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि 8 ऑफ कप्स किस लिए आया है, किस सिचुएशन से ये मूव ऑन करना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है, किस सिचुएशन से ये मूव ऑन करना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। जिस सिचुएशन में ये पर्सन खुद को बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उस जगह से ये मूव ऑन करेंगे किसकी तरफ, जहाँ पे उनको लगता है कि वो खुश रहेंगे, उनको सुकून मिलेगा। दैट्स यू।
एंड उस जगह पे ये मूव ऑन करेंगे। एट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। 8 डेज या 8 आवर्स में आप लोगों में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन जरूर होगा इन अ पॉजिटिव वे। एंड यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है नंबर 3 भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। विद इन 3 आवर्स 3 डेज भी आप लोगों में एक कम्युनिकेशन हो सकता है, एक कम्युनिक हो सकता है। आप लोग कहीं पे मिलने जाएं, हो सकता है एक छोटा मोटा डेट करें, सेलिब्रेट करें, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये कलेक्टिव रीडिंग है तो डेफिनेटली बहुतों के साथ रेजोनेट कर रही होगी। तो 3 एंड 8 आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ट्रिपल 3 की एनर्जी आई है, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए। आपके पर्सन की जो थिंकिंग है एट दिस मोमेंट बहुत पॉजिटिव है। आप लोग प्लीज़ कोई भी गलत मैनिफेस्ट मत कीजिए, कुछ भी डरिए मत इस सिचुएशन से, या फिर अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं इस टाइप की एक क्रेविंग वाली एनर्जी में भी मत रहिए। एंड सबसे बड़ी बात, अगर वो वापस आते हैं तो कुछ दिनों के लिए आप एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन कीजिए, क्योंकि उनके दिमाग में लेकिन एक चीज़ है कि वो थर्ड पार्टी को पूरी तरह से छोड़ेंगे नहीं। वो बैलेंस बना के आप दोनों में चलने की एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो एट दैट केस आप लोगों को अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना चाहिए। ये एक गाइडेंस था मेरी तरफ से, मानना ना मानना आपके ऊपर है। एनीवे, रीडिंग से ही ये पता चलता है कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं। उनके डीप डाउन उनके दिल में भी ये चीज़ है एंड उनका करंट एनर्जी में भी है। एंड वो बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हुए भी कार्ड से हमें दिखाई दे रहा है। तो ये था आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग वर्सेस करेंट फीलिंग्स। होप आपको रीडिंग पसंद आई है, कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिली है। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।